आपको सीधे ले चलते हैं जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तेंदुपत्ता संग्राहालय संग्राहकों को संबोधित कर रहे हैं। पहले शुरू करें राशिवाद में डालें। मेरे प्रिय तेंदुपत्ता संग्राहक बहनों और भाइयों, आप सबको नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं कि हमारा सारा देश, पूरी दुनिया और अपना मध्य प्रदेश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है। अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से हम जीतेंगे। अब इस कोरोना ऐसी बीमारी है कि जिसके कारण कई तरह की सावधानी हमको रखनी पड़ती है। वह आपने अपने चेहरे पर मास्क लगा के रखे, मैंने अभी अभी निकाला है क्योंकि नहीं तो आप पहचानते नहीं कि मैं कौन हूं। अब ये कोरोना से बचने का बहुत जरूरी उपाय है, हम एकदम चिपक चिपक के ना बैठें, दो गज की दूरी पे बैठें। हमारी खांसी, हमारी छींक वो परेशानी पैदा कर सकती है। हम साबुन से बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, ये सावधानियां रखी तो फिर बीमारी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और मुझे पूरा विश्वास है जैसा नेतृत्व प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है, काफी हद तक कोरोना को रोक पाने में हम सफल हुए हैं। अभी दवाई और वैक्सीन कोई नहीं है इसकी, दुनिया वो बनाने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन जब तक वो नहीं है तब तक हमें सावधान रहना पड़ेगा। लॉकडाउन था, आप सबको पता है, और उसके कारण आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई, काम धंधे रोजी रोटी रोजगार, उस पर भी उसका असर पड़ा। इसलिए लंबे समय तक ये लॉकडाउन नहीं रखा जा सकता। इसलिए बाद में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आर्थिक गतिविधियां शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि जान तो है, जहान भी है, दुनिया भी है, अब लोगों को काम धंधा चाहिए। मैंने तो मुख्यमंत्री बनते ही 2 महीना, आज ठीक मुख्यमंत्री बने मुझे हुए, 23 मार्च को मैंने रात को शपथ ली थी 9 बजे, और तब से लेके अब तक दिन और रात कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ बीमारी का इलाज, उसके लिए व्यवस्थाएं, इलाज, अस्पताल, टेस्ट की व्यवस्था, लेकिन दूसरी तरफ जनता की मदद भी कैसे हो, सहायता कैसे हो, विशेषकर गरीब बहनों और भाइयों की, उसकी भी कोशिश। इसलिए एक बार नहीं, अनेकों बार अलग अलग योजनाओं के माध्यम से पैसा खाते में डालने की कोशिश की, पैसा खाते में डाला गया, किसानों के, गरीबों के, मजदूरों के। पहले 3 महीने का राशन इकट्ठा दिया गया, अब 2 महीने का राशन और इकट्ठा दे रहे हैं, निःशुल्क दे रहे हैं, और ये राशन उनको भी मिलेगा जो बाहर से अपने मजदूर भाई बहन आए, उनके पास राशन कार्ड हो चाहे राशन कार्ड नहीं हो, किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। जून के महीने में फिर राशन देंगे। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने गैस सिलेंडर की राशि, गरीब कल्याण योजना का पैसा, वो भी अलग अलग माध्यम से खाते में डाला। अब वो सब चीजें बताने में समय बहुत लगे, तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम शिवराज का तेंदुपत्ता संग्राहकों से सीधा संवाद है, और तमाम
राशि वितरण को लेकर के इस पूरे वार्तालाप में आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तमाम जानकारियां दे रहे हैं कि कैसे राशि वितरण किया जाएगा और कैसे तेंदुपत्ता संग्राहकों को इसका फायदा मिल पाएगा, ये तमाम सारी बातचीत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम के माध्यम से कर रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं। तो तेंदुपत्ता संग्राहकों को राशि वितरण आज होगा। जाहिर है इस लॉकडाउन की घड़ी में कितना मुश्किल वक्त इस वक्त देश ही के साथ साथ राज्य भी उठा रहा है। अलग रखने की व्यवस्था की जाती है, भले घर में ही करना पड़े या स्कूल में पंचायत भवन में करना पड़े, तो उनके साथ मानवीय व्यवहार भी होना है लेकिन उनको अलग भी रखना है और उनको भी रोजगार मिल जाए। इसलिए एक तरफ मनरेगा के अंतर्गत काम खोले, 21 लाख के आसपास मजदूर काम कर रहे हैं और हमने फैसला किया है कि कोई गांव में बिना रोजगार के ना रहे, ये कोशिश करेंगे। एक तरफ मनरेगा का रोजगार, दूसरी तरफ एक बड़ा साधन है वनोपज का संग्रहण। अब हमारे यहां चाय की गुठली होती है, पलासला, कुसुमला, खर्रा, बहेड़ा, बैलगुदा, चकोर बीज, महुआ फूल, महुआ बीज, करंज बीज, नीम बीज। पहले मिट्टी के मोल बिकता था, औने पौने दाम पे लोग खरीद लेते थे, लेकिन हमने तय किया कि नहीं, अगर ठीक दाम पे नहीं मिला तो सरकार वनोपज संघ के माध्यम से खुद खरीदेगी। अब उदाहरण के लिए अचार की गुठली 130 रुपया किलो हमने की, ऐसे महुए का फूल 35 रुपया किलो, महुए का बीज 35 रुपया किलो, करंज का बीज 40 रुपया, नीम बीज 30 रुपया, साल बीज 20 रुपया, नगर मोदा 35 रुपया, अलग अलग कई चीज उनके दाम तय किए। और मुझे खुशी है कि महुए का फूल जो बड़ी मात्रा में बिकता है, इस बार हमने जो रेट तय किए 35 रुपया से कम नहीं बिकेगा, नहीं तो सरकार खरीद लेगी, तो 35 रुपया से ज्यादा ही बिका है, 40 रुपया के ऊपर बिका है। उसके कारण भी गरीबों की जेब में पैसा आया है और अब तेंदू पत्ता तोड़ने का काम चल रहा है। बाहर से भी मजदूर आए, वो भी कुछ तुड़ाई के काम में लगे हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि तेंदू पत्ता अच्छा टूट रहा है, क्वालिटी भी अच्छी है और इसलिए 11 लाख परिवारों के 32 लाख संग्राहकों के माध्यम से 9.74 लाख मानक बोरा से अधिक तेंदुपत्ता तोड़ लिया गया है, संग्रहित कर लिया गया है। और यह भी खुशी की बात है कि 26 करोड़ 38 लाख रुपया, 250 रुपया प्रति 100 गड्डी के हिसाब से मजदूरों को, तेंदुपत्ता तोड़ने वाले भाई बहनों को नगद भुगतान किया गया है। नगद इसलिए कि बैंक के चक्कर नहीं लगाना पड़े, सीधे हाथ में पैसा आ जाए। लेकिन मुझे यह बताती हुए भी खुशी है कि 2018 में तेंदुपत्ता जो हमने बेचा था, विक्रय किया था, उसके बोनस राशि 184 करोड़ रुपए थी जिसका भुगतान किया जाना है। आज मुझे बहुत खुशी है कहते हुए कि अब वो 184 करोड़ रुपया आज से सभी तेंदुपत्ता तोड़ने वाले जो हमारे 18 में जिनने तोड़ा था, उन बहनों और भाइयों के खाते में जमा किया जा रहा है।